abajo del panic. पिछली बार भी कर चुका हूँ पर थर्ड इसी में किया था, इस बार स्लीपर में। कोच है एस नाइन और थोड़ा लेट हो गया हमें आने में, तो थोड़ी देर में हमारा डिपार्चर होगा अभी, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा। कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। अब हम आते हैं कामाख्या जंक्शन में, यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ पे हम पहुँचे हैं 12:34 में। बात बता दूँ जो कामाख्या स्टेशन है वो रिसेंटली इलेक्ट्रीफाइड हुआ है 2021 में। तो यहाँ पे आप कुछ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देख सकते हैं, जैसे F7 और WAG9, ये सब जैसे लोकोमोटिव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये दोपहर का ट्रेन है तो इसलिए मैं खाना वाना लंच मैं अपने घर से ही करके रहा हूँ। अब आ गया आपको मैं तो नहीं दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या खाना मिलता है, पर सुना है मैंने यहाँ पे बिरयानी वगैरह मिल रहा है, अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, ये सब। तो मैं तो वो नहीं खाने वाला बिकॉज अब मैं खा के आ चुका हूँ ऑलमोस्ट ऑलरेडी। और यहाँ पे खड़ी है कामाख्या आनंद विहार टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, इस पर मैं आपको जर्नी पहले भी दिखा चुका हूँ, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। हमारी ट्रेन निकल चुकी है और यहाँ पे शायद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया गया है। गाजियाबाद का WAG7 पैरेलल डिपार्चर। कामाख्या को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे आप ग्वालपारा टाउन जा सकते हैं, और हमारी जो सरायकाला एक्सप्रेस है वो जा रही है वाया ग्वालपारा टाउन, वो ग्वालपारा टाउन में रुकती तो नहीं लेकिन वहाँ का स्किप आपको मैं दिखाने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ।
बारह घर से अकॉर्डिंग टू वायर या वहाँ पर इतना ज़्यादा घर नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो वायर बहुत बड़ा वाला रूट है वहाँ पे आपको ज़्यादा घर देखने को मिलेगा। अभी हमारी ट्रेन में भी कर दिया है है, इसलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रुका दिया गया है। और हम जो जा रहे हैं पाया ग्वालपारा, ये नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, इसलिए हमारी वाली ट्रेन में सरायघाट में इलेक्ट्रिक लोको नहीं लगाया गया है। आगे देखता हूँ, शायद आगे लग जाए। पंचरत्न, यहाँ पे इस ट्रेन का ऑफिशियली कोई स्टॉप नहीं है, पता नहीं शायद सिंगल लाइन क्रॉसिंग है, लेकिन यहाँ अभी तो कोई ट्रेन नहीं दिख रही है क्योंकि पिछले 20 मिनट से ये रुकी हुई है। और यहाँ पे कोई कुछ ट्रेन इस लाइन को भी शायद इलेक्ट्रिफाई किया जा रहा है। और वो साइड नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, वो रंगिया और बरपेटा होकर आ रही थी। अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन, एनडी के वहाँ पर स्टेशन को है। मैं पहली बार नहीं आया हूँ, इससे पहले भी कवर कर चुका हूँ कुछ टाइम। और अगर आपको पता ना हो तो फिर से एक बार बता दूँ कि ये इंडिया का पहला स्टेशन है जो कि एक रिवर के ऊपर बना है, जिसका नाम है दुनिया रिवर। हमें अभी कोकराझार है, लेकिन इस ट्रेन का यहाँ से कोई ऑफिशियली हॉल्ट नहीं है, पता है शायद आगे रेड सिग्नल है, शायद अभी जाने वाले हैं। Thank you.
खेल से ज़्यादा मैंने कुछ ट्रेन के देखे थे। यहाँ के भी मैं आपको ज़रा उसके कंडीशन दिखाता हूँ। यहाँ पे मिरर मशीन पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना शो है ना कुछ। इस वाले में देखता हूँ वेस्टर्न स्टाइल। तो भाई मैं जैसे ही अंदर आया तो अपना भैया पूरी बदबू है, बहुत गंदी बदबू है। यहाँ पे वैसे दिखा दो लाइट है और ये मशीन, यहाँ भी पानी नहीं आता। मौसम का कंडीशन मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं होता, लेकिन साफ सुथरा भी नहीं है। बस यहाँ पे दो पानी नहीं है और बस गंदा स्टाइल कर रहा है। तो मैं अभी आगे वो इंडियन स्टाइल वाले में, जहाँ भी लाइट है मिरर और यहाँ पे देखिए बेसिन में किस तरीके से गंदगी है। यहाँ पे इस वाले में सिर्फ पानी है। यहाँ पे विंडो और प्लस यहाँ पे कुछ छत टूटा हुआ है। ये वाले की अगर मैं बात करूँ ये भी उतना अच्छा नहीं है इसका कंडीशन इसमें, लेकिन इसमें पानी ज़रूर आ चुका है बेसिन में। तो चलिए अपने सीट पर बैठता हूँ। ऑफिशियल स्टॉप नहीं है एक मिनट के लिए, हमारी टीम को बिना सिग्नल दिया गया है और अब सर हम जा सकेंगे। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट्स का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं 5:33 को, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा में। एक बात आप लोगों को मैं बता दूँ, चार्जिंग सॉकेट से वो रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक सब ट्रेनों में बंद किया गया है। तो मोबाइल फोन्स और कैमरा वगैरह का आप जो भी ला रहे सब चार्ज करके लाइए। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के स्टॉप्स के बाद यहाँ से हम डिपार्ट हो रहे हैं न्यू कुछ बिहार से। और एक बात बता दो कि रेलवे ने पेंट्री खाना बनाना शुरू कर दिया है, यानी आपको से पेंट्री में बना हुआ खाना मिलेगा। तो कुछ खाने वाला नहीं है पेंट्री में। मैंने तो डिनर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे को पैसेंजर है उन्होंने डिनर किया है। तो डिनर कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। हम लोग पहुँच गए हैं जनता स्टेशन पे। मेरा जर्नी यहीं तक था, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। ठीक है।